यस डियर स्टूडेंट, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर से बातचीत डॉक्टर से बातचीत ये रीड करेंगे। ठीक है, ये देखो, दवा खाने में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। श्रीमती, यहां से देखो ये क्या है, श्री मती कांता शिल्पा को लेकर आती हैं। श्रीमती कांता एक औरत का नाम है, ठीक है। श्रीमती कांता शिल्पा को लेकर आती हैं। दवाखाना, ये दवाखाना का सीन दिखाया हुआ है और यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पर कौन आता है, श्रीमती कांता आती हैं और वो किसे लेकर आती हैं, शिल्पा को लेकर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायलॉग्स दिए हुए हैं बेटा, देखो श्रीमती कांता, अब ये बोल रही हैं, क्या कह रही है ये, नमस्ते डॉक्टर साहब। तो जब हम कभी किसी से मिलते हैं काफी समय के बाद तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नमस्ते कहते हैं। ओके, नमस्ते डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर, अब डॉक्टर कह रहे हैं नमस्ते कहिए। फिर श्रीमती कांता कह रही हैं, यह मेरी बेटी शिल्पा है, इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है, यह आज स्कूल भी नहीं गई। तो श्रीमती कांता बताती हैं कि ये जो मेरी बेटी है शिल्पा, इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है और इस वजह से ये आज स्कूल में भी नहीं गई। देखो ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये जो है श्रीमती कांता हैं और ये उनकी बेटी जो है शिल्पा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं डॉक्टर, अब डॉक्टर कहते हैं बेटी शिल्पा यहां कुर्सी पर बैठो, बताओ दर्द कहाँ हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर उसको शिल्पा को बोलते हैं कि आप यहाँ कुर्सी पर बैठो, देखो यहाँ कुर्सी पर बिठाया हुआ है उसे, तो और वो कहते हैं यहाँ बैठो, कुर्सी पर बैठो और बताओ कि आपको दर्द जो है दांत में वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर शिल्पा के दांतों की जांच करते हैं। अब जो डॉक्टर हैं वो शिल्पा के दांतों की जांच करते हैं। फिर डॉक्टर, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो। अब डॉक्टर जो है उसके जब दांतों की जांच करते हैं तो फिर वो डॉक्टर जो है शिल्पा को कहते हैं कि बेटा तुम्हारे दांत जो है वो बहुत गंदे हैं और क्या तुम अपने दांतों को साफ नहीं करती हो। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद देखो, श्रीमती कांता, डॉक्टर साहब यह रोज दांत साफ नहीं करती, मैं बार बार कहती हूँ, तभी यह दांतों को साफ करती है। तो श्रीमती कांता जो है वो डॉक्टर से शिल्पा की शिकायत लगाती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब ये हर रोज जो है अपने दांत साफ नहीं करती, ये टूथब्रश नहीं करती, मैं इसे बार बार कहती हूँ तभी यह दांतों को साफ करती है। डॉक्टर, इसके दांत में कीड़ा लग गया है, यानी उसके दांत में क्या लग गया है, कीड़ा लग गया है, मैं दवाई लगा रहा हूँ, दवाई लगाने से दर्द कम हो जाएगा, ये गोलियां भी दीजिए, एक एक गोली 3 दिन तक दीजिए, लेकिन रोज दांत साफ करना जरूरी है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसके दांत में कीड़ा लग गया है, मैं दवाई लगा रहा हूं, दवाई लगाने से दर्द कम हो जाएगा और ये गोलियां भी दीजिए, एक गोली हर रोज देनी है 3 दिन तक,
लेकिन रोज दांतों की सफाई करना जरूरी है, ठीक है? तो ये डॉक्टर साहब जो है उसको कहते हैं। डॉक्टर, बेटी शिल्पा, क्या तुम चॉकलेट बहुत अधिक खाती हो? तो डॉक्टर जो है शिल्पा से पूछते हैं कि क्या तुम चॉकलेट बहुत ज्यादा खाती हो? शिल्पा, हाँ। शिल्पा बताती है कि हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर, देखिए कांता जी, शिल्पा को अधिक चॉकलेट मत खाने दीजिए। रोज सुबह ब्रश से दांत साफ जरूर करवाइए। तो डॉक्टर साहब जो है श्रीमती कांता जी से कहते हैं कि शिल्पा को ज्यादा चॉकलेट मत खाने दीजिए और हर रोज इसे ब्रश भी जरूर करवाइए, ठीक है? ये देखो पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है सारा। उसके बाद है, श्रीमती कांता, डॉक्टर साहब, खाने में क्या देना चाहिए? डॉक्टर, दूध, फल, गाजर, हरी सब्जियां खाने से दांत मजबूत बनते हैं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, पहले श्रीमती कांता उनसे पूछती है भी खाने में क्या देना चाहिए, अगर चॉकलेट कम देनी चाहिए तो वैसे खाने का वैसे भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो डॉक्टर कहते हैं दूध, फल, हरी सब्जियां, गाजर, ये सब खाने से दांत जो है मजबूत बनते हैं, यही खाने के लिए देना चाहिए। श्रीमती कांता, डॉक्टर साहब, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी, यह लीजिए आपकी फीस। तो श्रीमती कांता जो है वो डॉक्टर से कहती है कि मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी, ये खाने पीने का जो भी डॉक्टर बताते हैं, और डॉक्टर को उनकी फीस देती हैं चेकअप करने की और दवाई की। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, धन्यवाद, ठीक है? तो ये इस चैप्टर की रीडिंग आप लोगों को करनी है। ओके।